गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर जैसी बेशुमार वेबसाइटें होती हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खोल सकता है, लेकिन इंटरनेट में एक दुनिया और बसी है जिसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। डीप वेब यानी इंटरनेट की इस आपराधिक दुनिया में कई तरह के गैर कानूनी बाजार सस्ते हैं। कई ऐसे मादक पदार्थ, खतरनाक और प्रतिबंधित चीजें खरीदी बेची जाती हैं, जिन्हें बेचना या खरीदना खतरनाक किस्म का अपराध माना जाता है। यहाँ पैसे के बजाय वर्चुअल मनी यानी बिटकॉइन से पेमेंट होता है। ऐसे ही एक ऑनलाइन बाजार सिल्क रोड को पिछले साल ही अमेरिका की FBI ने बंद करवाया था। इन वेबसाइटों से खरीदारी करने पर पहचान छुपी रह जाती है, इसलिए इसके जरिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह ड्रग्स, हथियार या गैर कानूनी वस्तुएं और सौदे कर सकते हैं। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि ये आप तक खरीदी गई चीजों को पहुंचा भी देते हैं। लाइव मर्डर के शोज भी खुलेआम इस पर चलते हैं। आप इसके जरिए मर्डर की सुपारी भी दे सकते हो। कुल मिलाकर सारे अपराध यहाँ से संचालित होते हैं, इसलिए आपराधिक गतिविधियों में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता रहा है। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी के मुताबिक डीप या डार्क वेब हमें सार्वजनिक तौर पर दिखने वाले इंटरनेट से 3 गुना बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, टॉर के जरिए डार्क वेब तक लोग पहुंचते हैं। इसे रक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसा ज्यादातर तकनीकों के साथ होता है, इसे वो लोग भी इस्तेमाल करने लगे जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। साइबर अपराधी तमाम गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। सरकारी या गैर सरकारी जासूसी, ड्रग्स बेचने से लेकर पॉर्न का कारोबार और मानव तस्करी तक सब कुछ इंटरनेट की इस काली दुनिया में खुलेआम होता है। काफी समय तक इंटरनेट पर FBI और डीप वेब संचालकों के बीच चोर पुलिस के खेल के बाद बीते साल बंद किए गए सिल्क रोड ने इस दुनिया की जो तस्वीर पेश की वो कई विशेषज्ञों की सोच से ज्यादा खतरनाक थी। वैसे तो सार्वजनिक इंटरनेट पर गैर कानूनी काम करने वालों तक सुरक्षा एजेंसियां आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन डीप वेब में साइबर अपराधी बड़े आराम से गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, क्योंकि उनके पकड़े जाने का खतरा वहां ना के बराबर होता है। तकरीबन 10 साल पहले शुरू की गई ये सेवा अब अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गई है। साइबर जगत से जुड़े लोग इसे साइबर जगत का अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग और सुरक्षा से लेकर कई अहम जानकारियों से लैस इंटरनेट के लिए डीप वेब एक बड़ा खतरा बनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।